स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विभव कुमार को पुलिस ने केजरीवाल के घर से गिरफ्तार किया था। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। विभव को 4:15 पर गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने कहा याचिका निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि विभव कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने लंबी लंबी दलीलें दी, लेकिन एक नुक्ते से ही याचिका खारिज हो गई और सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। विभव कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में दलीलें दी। वकील हरिहरन ने कहा कि जो आरोप लगा है उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। अभी विभव की स्थिति क्या है उसके बारे में हमको नहीं पता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है वो समझ से परे है। विभव ऐसे मारपीट क्यों करना शुरू कर देगा, ये समझ से परे है। 30,000 कोर्ट ने विभव की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा। जैसा आरोप मालीवाल ने लगाया है सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। अगर स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट होती तो वह चिल्लाती, अगर वह चिल्लाती तो वहां मौजूद लोग ज़रूर सुनते। जहां पर घटना हुई है वहां पर सीसीटीवी मौजूद था। सीएम से मुलाकात के लिए ज़रूरी है कि पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए। लेकिन स्वाति सीधे सीएम आवास में पहुंच गई, जो कि सीधा सीएम की सुरक्षा में सेंध है। विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार उनकी लोकेशन को लेकर नज़र रख रही थी और विभव कुमार सीएम आवास में बैठे थे। उसे वहीं से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। विभव कुमार ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से FIR को लेकर जानकारी मिली। विभव कुमार ने भी ईमेल के माध्यम से पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस संज्ञान ले। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया था कि दिल्ली सीएम के सहयोगी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। इस मामले में FIR के बाद दिल्ली एम्स में स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मालीवाल के बाएं पैर और दाईं आंख के नीचे चोट के निशान हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि जब वो मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी तो इस दौरान उनका PA विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की थी।